आपने आपका जो इन्वेस्टिगेशंस थे, आपकी जो मतलब तहकीकात थी, तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो पूरा प्रयोग रहा है ये इलेक्शन 2019 के इलेक्शन के दरमियान, वो आपको और हमको क्या सिखाता है? वो ये सिखा था एक तो कि इसमें जैसे मैंने कहा, एक तो आपका पॉलिटिकल कैंपेनिंग जो पहले होती थी कि पॉलिटिकल कैंपेनिंग इलेक्शन के कुछ महीने पहले से शुरू हो जाए, एक बजट पहले से शुरू हो जाए, वो ज़माना अब चला गया है। अब पॉलिटिकल कैंपेनिंग 2400 घंटे, 5 साल 10 साल, 5 साल, 365 डेज चालू ही है, मतलब 77 शुरू ही है। वो कभी रुकती नहीं है पॉलिटिकल कैंपेन। तो आज अगर हमारे प्रधानमंत्री ने कहीं कुछ कह दिया है तो इमिजिएटली उसका ट्रांसलेशन व्हाट्सएप पे आ जाता है। और सिमिलरली जब अगर ऑपोजिशन कुछ गलत कहती है, ऑपोजिशन ने कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बयान दिया हो या कभी कभी नहीं भी दिया हो, तो उसको भी आप तोड़ मड़ोड़ के आप व्हाट्सएप पे लेके आते हो। तो ये कैंपेनिंग कॉन्स्टेंटली चालू है और ये मुझे लगता है हमारी ऑपोजिशन पार्टीज ये सीखी नहीं है। तो एक तो ये है कि अब वो कैंपेनिंग का पूरा रूप और नज़रिया बदल गया है। दूसरा है कि ये कैंपेनिंग के दो पहलू हैं। एक तो जो प्रो इनकम्बेंट पहलू है वो ये है कि ये जो मैंने मिथ मेकिंग की बात की है कि एक इमेज आप बढ़ाइए, आप कॉन्स्टेंटली वो इमेज को फीड करते रहिए आप, तो वो आज जो जो वो पढ़ रहा है उसको लगेगा हाँ मैंने 5 साल में यही तो देखा है, मैंने यही देखा है कि मोदी जी इतने अच्छे हैं, मोदी जी इतने स्मार्ट हैं, मोदी जी का सीना 50 इंच का है, सलमान का 40 इंच का है, ये सारा मैंने देखा है। तो अब तो मैं मान ही जाऊँगा, 5 साल के बाद जब वो मेरा वोट लेने आएंगे तब मैं मान जाऊँगी मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, भले ही ऑपोजिशन सवाल उठाए। और दूसरा प्रोसेस है कि आप ऑपोजिशन को डीलेजिटिमाइज करिए, तो वो भी एक कॉन्स्टेंट प्रोसेस है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन कैंपेनिंग में होता है वो। तो अगर आज इलेक्शन कैंपेन में प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अगर वो गाली देते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो आपको ये नज़रिए से देखना चाहिए कि वो एक 5 साल का प्रोजेक्ट है जिसका एक कल्मिनेशन हो रहा है, वो एक वन ऑफ इवेंट नहीं है। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हो, जो ग्रुप्स पे वो कॉन्टेंट चल रहा है, तो आपको तो लगेगा ये कॉन्फर्मेशन है, मैंने जो इतने साल व्हाट्सएप पे पढ़ा है उसका कॉन्फर्मेशन हमारे प्रधानमंत्री दे रहे हैं। तो ये आपको अब ऑपोजिशन को ये भी सीखने की ज़रूरत है कि ये कंटिन्यूसली डीलेजिटिमाइज हो रहे हैं और वहाँ कंटिन्यूसली मिथ मेकिंग हो रही है। तो ये 24/7 प्रोसेस 365 डेज फॉर 5 ईयर्स चलने वाला है।